वैसे तो मैं चीदी हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अनीस अहमद मेवन, और आज हम अपने प्रोग्राम में एक मेहमान को लाए हैं जिसका नाम है, सर आपका नाम क्या है? वैसे तो मैं चीदी हूँ, डाटा तो वैसे ही हूँ, पर चोरी के नाम में मुझे पता क्या बुला रहे, काला चोर काला चोर। बड़ा नाम है मेरा, बड़ा नाम। ये तो आपने सुना डाडा, इसको बहुत सारे लोग शीदी भी बोलते हैं। हाँ शीदी तो आज इनसे जानते हैं, ये बहुत बड़े नामी ग्रामी चोर है, नामी ग्रामी चोर है। मोहल्ले में ना इन्होंने सोलर प्लेट छोड़ा है, ना इन्होंने पानी की मोटर छोड़ी है, ना इन्होंने मुर्गी छोड़ी है, ना इन्होंने बकरी छोड़ी है, ना इन्होंने बकरा छोड़ा है। यार, तू क्या मेरे साथ है? जो मुझे रिपोर्ट मिली है, तो रिपोर्ट देने वाले तो दुश्मन होते हैं, कौन से अपने होते हैं यार? कम से कम तू इतनी बातें तो नहीं बताना इधर लोगों को। तू जनाब इंटरव्यू के लिए बुलाया है या तूने मेरी पोल खोलने के लिए बुलाया है? भाईजान, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने इतने टाइम में, इतने कम टाइम में इतना बड़ा नाम कमाया है, यार उसकी वजह नाजरीन को क्या क्या है? बताऊं? नाजरीन को बता, पूछ तू रहा है और बताऊं नाजरीन को, और तू ऐसी बातें पूछ रहा है चले आप कि हमें बताएं, इतने छोटे से अरसे में, इतने कम टाइम में इतना बड़ा नाम कमाया आपने कि मोहल्ले में अगर किसी की घंटी भी चोरी हो जाती है तो डायरेक्ट आपका नाम आता है, क्या चक्कर है ये? यार ये आपको पहले मैं बताऊं, एक बात सुन लो, जी मैंने कोई चोरी नहीं की, ये सरासर मुझ पे इल्जाम है। आपको एक बात बताऊं, क्या है चोरी, कैसे की और क्यों की, किस वजह से की? मेरे मोहल्ले में चल रही थी एक बंदे से दुश्मनी, मैंने देखा ये दुश्मनी तो कर रहा है, किस बलबूते पे मेरे ऊपर इसने केस चला रहा है। मैंने सोचा इसके पास पैसा कहां से आता है, मैंने जाके इसका चक्कर लगा के मैंने जाके हिसाब लगाया तो इसके पास ये एक मुर्गी वो रोजाना देती थी अंडा, ये अंडा बेच के पैसे दे के मेरे को रोज पकड़वा रहा था। मैंने कहा चल बेटा आज इसका काम हो गया, मैंने मुर्गी चुरा ली। अभी मुर्गी नहीं रहेगी, अंडा नहीं देगी, लड़ेगा कैसे? फटा करने से बेहतर है मुर्गी चुरा लो। वो किसकी मुर्गी चुराई? बस मुर्गी किसकी भी थी वो मैंने चुराई थी, मुर्गी के साथ मैं भी पकड़ा गया। अभी मुर्गी तो मैंने पकड़ ली, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। अभी पकड़ लिया तो भाई इल्जाम लग गया, लिख लिया। आज तक भाई ऐसे ही हो यार, किसी की चोरी हो जाए, किसी का भी कुछ, मैंने तो दुश्मनी में उठाई थी, मैंने जान पूछ के थोड़ी चोरी की थी यार। देख ये गलत इल्जाम है कि मैं चोर हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैंने दुश्मनी की वजह से उठाई थी, उसको भी छोड़ूंगा नहीं। अभी देखना, मैं आपको पता ही नहीं है उस मुर्गी का कैसे मैंने चुराई, मैं नहीं एक मैंने मुर्गी चुराई थी बस। तो एक मुर्गी चुराने में आप चालान हो गए? नाम उधर लिख लिया तो अभी मुर्गी चोरी हो या कोई चीज, मुर्गी लेटर कुछ भी चोरी हो वो मेरा नाम लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पता है, चोर तो लाखों का भी हो वो, अब एक बात और सर, बड़ी चोरी करता ना, बड़ी बड़ी जैसे बोलते हैं आप समझ जाओ, बड़ी चोरी करता ना तो आज आगे पीछे मेरे सिक्योरिटी होती, देख रहे हो आप चल रहे हैं, नाम नहीं ले सकता मैं, वो कितनी बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। मैंने मुर्गी चुराई है, उसको 4 साल हो गए, अभी तक केस नहीं खत्म हो रहा, और मोहल्ले से इलाके अच्छा, से। वो मुर्गी कहाँ है? वो मुर्गी कहाँ है जो आपने मुर्गी चुराई, जिसका 4 साल तक केस चलता रहा है आपके ऊपर, और मैंने तो ये सुना है आपको सजा भी हो गई, एक मुर्गी में सजा हो गई? बस सजा इसीलिए हो गई कि भाई पैसे नहीं थे, अगर बड़ी चोरी होती तो नाम इधर नहीं आता, नाम मेरा दूसरी लिस्ट में होता। अगर मैंने मुर्गी चोराई, मुर्गी भी मैंने वापसी में भी, अच्छा वो भी मैं जब पकड़ा गया उसी टाइम मैंने थाने वालों को दे दी, उन्होंने रिपोर्ट लिख ली कि भाई मुर्गी हमारे को मिल गई और चोर भी मिल गया, मुर्गी अभी तक उनके पास है, अंडे दे रही है, वो अंडे खा रहे हैं और भुगत मैं रहा हूं। अच्छा यानी कि जिनकी मुर्गी चोरी हुई उनको चोरी शुदा मुर्गी वापस भी नहीं मिली, ना 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 और जिसने चोरी की उसको भी नहीं कुछ मिली, नहीं मिला, वो मुर्गी बीच में अंडे कोई और खा रहा है? अंडे और खा रहा। अच्छा जब आपको सजा हुई, आप जेल गए, तो आपको जेल में कैसे कैसे लोग मिले, किस तरह के लोग मिले? यानी कि कोई बड़े चोर मिले, किसी ने गाड़ी चुराई, किसी ने कत्ल के केस में गया हो, कोई कुछ हो, ऐसे लोग मिले या आप ही की तरह लोग मिले? भाई बड़ा चोर मुझे कोई नहीं मिला, मतलब सब मेरी तरह मिले, किसी ने मुर्गी चुराई, किसी ने मोहल्ले में, किसी ने भाई अभी
केबिन पे खड़ा हुआ, किसी ने पान लेके रख दिए, उसने पान उठा लिया और उसने पकड़ लिया, उसे टाइम दे दिया पुलिस को। ऐसे बंदे मिले मुझे, कभी ऐसे भी बंदे मिले जो मोहल्ले से गुजर रहे थे, देखा यार किसी की बाइक खड़ी हुई है, पेट्रोल निकाल लिया, उसने कैमरा में देख लिया, उसने पकड़ लिया, वो दे दिया पुलिस को, वो भी मेरे साथ पड़े हुए। बड़ा चोर कोई भी नहीं, बड़े चोर आपको रोड पे मिलेंगे, आगे पीछे मोबाइल होगी, आगे पीछे गाड़ी होगी, हम ऐसी चोरी करेंगे तो पता चलेगा आपको। जी नाज़रीन, तो आपने सुना ये चीदी ये बोल रहा है कि इस मुल्क का निजाम, इस मुल्क का सिस्टम वो है कि जो छोटा चोर है उसको सजा हो जाती है, पकड़ा भी जाता है, उसका केस भी चलता रहता है, उसको सजा भी हो जाती है, उसको जेल भी हो जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े चोर है, बड़े बड़े चोर मतलब यानी कि बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े चोर में, और आपको एक बात बताऊं, जो बड़े चोर होंगे ना वो उसके पास ये होगा, वो सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि कहाँ रखें, कहाँ क्या, हाँ, बस वो टकले हो जाते हैं, उनके पास माल इतना होता है। तो फिर आप हमें जरा बताएं कि आप क्यों टकले हो गए इस परेशानी में कि मुर्गी चोरी की सजा हो गई। मैं इसीलिए टकला हो गया कि मैंने सोचा कि मैं भी इन जैसा बनूंगा बड़ा चोर, मगर मैं बना पहले छोटा चोर। छोटे चोर बनने के बाद मेरे को हुई जेल, वहां पे सोचता रहा और सारा दिन यूं करता रहा, सोचता रहा कि बड़ा चोर कैसे बनूं, इनकी तरह कैसे माल खाऊं, इनकी तरह कैसे सिक्योरिटी आगे पीछे लगाऊं, बाल झड़ गए, मगर अभी तक मैं नहीं बना। अच्छा, तो आपने सुना कि राणा साहब ने जो हमें बताया कि मुर्गी चोर, बकरी चोर, बाइक चोर, पेट्रोल चोर, साबुन चोर, पता नहीं क्या क्या चोर, छोटे चोर वो आपको सब जेलों में मिलेंगे, लेकिन जो बड़े चोर, इतने बड़े नहीं, बहुत बड़े चोर उनको लोग रोडों में सलाम करते हुए आपको मिलेंगे, उनके आगे पीछे वही मोबाइल मिलेगी जो हमें पकड़ के ले जाती है, जो हमें पकड़ के ले जाती है। एक मुर्गी का केस आपके ऊपर चल रहा है, 4 साल हो गए, 4 साल, 4 साल सजा भी हो गई, सजा भी होगी, भुगत ली, आप मुजरिम से मुजरिम डिक्लेयर हो गए। अभी तक मोहल्ले में कोई भी चोरी होती है तो सुबह मैं उठूं, अभी मुंह भी नहीं धोऊं, पहले पकड़ के ले जाते हैं भाई ये तुमने चोरा। भाई मैं तो एक मुर्गी के पीछे फंस गया हूं यार अभी। जी नाज़रीन, तो आपने सुना इस बेचारे मजलूम चोर की कहानी। आइंदा क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान क्या है, क्या सोचा है आपने कि आगे क्या करना है? इस आपने देख लिया, ये सिस्टम तो देख लिया आपने, जेल भरे हुए हैं छोटे छोटे जेब कतरों से, मुर्गी चोरों से, बकरी चोरों से, सही है, अब तो जगह भी नहीं है, जगह नहीं है। तो आइंदा प्लान क्या है आपका, क्या सोचा है आपने? आइंदा मेरा बड़ा प्लान है, बड़ी चोरी करने का। अच्छा। आइंदा बड़ी चोरी करूंगा मैं, डायरेक्ट इलेक्शन लड़ूंगा। इलेक्शन अगर इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में ना जीत सका तो किसी एमपीए, एमएनए या कोई वडेरा, कोई जमींदार, कोई बड़ा आदमी, उसका चमचा बन जाऊंगा और फिर धीरे धीरे पीछे कुछ भी करता रहूंगा, चोरी करूं, कुछ भी करूं, बच जाऊंगा, कोई मेरा नाम भी नहीं लेगा। जी दोस्तों, तो आपने देखा कि इनकी जो शीदी की, बताना नहीं, कोई बताने की बात नहीं है, इनका जहन भी यही काम कर रहा है कि किसी बड़े आदमी का अगर मेरे सर के ऊपर हाथ होगा तो मैं बचा रहूंगा। हाँ। और ये जो मुर्गी और ये बकरी, ये चोरी करने से, नल के मस्जिद के बाहर से जूती चुराने से बेहतर है कि कोई बड़ा हाथ मारे और किसी बड़े आदमी का नाम इस्तेमाल करके ये आगे जाना चाहते हैं। तो दूसरे एपिसोड में आपको किसी दूसरे दोस्त के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाईजान मेरी यहाँ पे एक मोबाइल पड़ी थी, यहाँ पे मोबाइल पड़ी थी, बेहतर होगा कि आप मुझे वो मोबाइल दे दे, वरना मैं अभी कैमरा खोलूंगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि मुर्गी का तो केस वैसे ही चल रहा है आपको पर। यार भाई आपका मोबाइल, यार मैं तो आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था लोगों के सामने, आपने मेरा ही मोबाइल मार दिया। नहीं बस मैंने ऐसे रखा, चल भाई ऐसे।